हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी का दिन, सभी लोग को कृष्ण जन्माष्टमी का शुभकामनाएं, बधाई। और आज अभी आज का ब्लॉग जो है बहुत मज़ेदार और मस्त होगा, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी का दिन यहाँ पे इस्कॉन मंदिर पटना में, यानी फेमस मंदिर है, उस मंदिर में जा रहे हैं अभी। और उस मंदिर की आज की दिन की सजावट क्या है, कैसे है, सारे इस वीडियो में आज दिखाएंगे और कैच करेंगे। तो आप लोग मेरे ब्लॉग पे बने रहिए और देखते रहिए। चलिए यहाँ से ब्लॉग को शुरू करते हैं। मंदिर के रास्ते में ही हैं, बट यहाँ यहीं के भीड़ से पता चल रहा है कि कितना भीड़ होगा मंदिर में। चल रहे हैं, देख सकते हैं पीछे कितना सारे लोग हैं और आगे भी बहुत सारे लोग चल रहे हैं। सभी मंदिर ही जा रहे हैं, किस मंदिर चलते हैं वहाँ पर देखते हैं। भाई बहुत भीड़ है आज, देख सकते हैं गाड़ी वगैरह जो है उधर जाने से इन पर रोक लग गया है पुलिस प्रशासन के। यहाँ पे बहुत सारी भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, दिखाते हैं आपको। देखिए सारे जगह प्रशासन लगा हुआ है और खास करके हमारे कोच भी है यहाँ पे, बहुत सारे लोग। अरे बाप रे, इतना देखिए अभी यहाँ का भीड़, अभी मंदिर गए ही नहीं है लेकिन इतना दूर से नंबर लगा हुआ तो ये लोग देखिए ब्लॉग में आना चाह रहे हैं। ये सारे लोग भीड़ है यहाँ पे, इतने सारे देख सकते हैं, एक दो तीन, यानी तीन लाइन लगी हुई है यहाँ पे। अभी मंदिर दूरी है यहाँ से 200 मीटर दूरी पे, यहीं से नंबर लगा हुआ है। देखिए ये भीड़ अभी, और ले चलते हैं आपको मंदिर की तरफ। हैं, हाँ देखिएगा, बता रहे हैं। ये देखिए भीड़ भाई, समझ में नहीं आ रहा है, इतना इजी नहीं, इतना आसान नहीं रहा इस मंदिर में जाना। जितना आसान से हर मतलब सप्ताह में एक दिन आते थे मंदिर घूमने के लिए, उतना आसान नहीं है आज का दिन, खास करके इतना लंबी कतार लगी हुई, इतनी लंबी कतार लगी हुई मंदिर में। देख सकते हैं कंटिन्यू वहाँ दूर दूर तक दिख रहा है अभी लंबी कतार की, दोनों साइड से, इधर साइड से भी और इधर साइड, दो दो लाइन लगी हुई है। ये है मंदिर का सीन, और भीड़ दिखाते हैं अंदर ले चलेंगे तो गेट पर किस तरह से। ये है प्रवेश द्वार, देखिए भीड़, और यहाँ से दिख रहा होगा दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक की भीड़ दिख रहा होगा। बिल्कुल रोड का जो है गाड़ी घोड़ा बंद कर दिया गया और वो है आउट। तो अभी शाम अभी हुआ भी नहीं, पूजा समझ सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ होगी। देखिए ये मंदिर का ऊपर में भी होगी, भीड़ भाई जबरदस्त है यार, देख सकते हो भीड़ मतलब जितना सोचे भी नहीं थे उससे ज्यादा भीड़ है। पहली बार जन्माष्टमी के दिन यहाँ पे मंदिर में आए हैं, ये है भीड़ देख सकते हैं। यकीन नहीं मानिएगा भीड़ का, आवाज भी नहीं जा रहा होगा। ये है यहाँ का भीड़, जय
गाइस ये देखिए बाहर से सीन दिखा रहे हैं मंदिर का, कितना अच्छा से सजावट किया हुआ अभी। और यहाँ पे तो रोड पे तो भीड़ का कहना ही नहीं, देख सकते हैं दूर दूर तक पूरा भीड़ दिखेगा रोड पे। ये देखिए रोड का सीन, और ये देखिए जैसे जैसे रात होता जा रहा वैसे वैसे भीड़ बढ़ता जा रहा। ये है देखिए यहाँ का भी सीन, ये देखिए चारों तरफ कितनी जबरदस्त भीड़। ये मंदिर का बाहर का सीन है, और ये मंदिर का तो अलग ही गेट पे, जब गेट बंद होता है शो की तरह मंदिर चल रहा है, इस तरह से भीड़ है यहाँ पे। और ये पूरा मंदिर का सीन है, ये देखिए ऊपर में है लाल वाला कम लगाया। अरे ब्रह्मा करो यार, मैंने निकाल दिया 10 रुपए के आन लगा ले, 20 रुपए लगा दे, ऐसे लगावा ना, ऐसे लगा ना, दे मेरा हाथ फटा है, कैसे लगा दिया। तो गाइस रात 9 बज गया, अब जा रहे हैं घर। मंदिर में तो पूरा भीड़ देख लिए, कृष्ण भगवान से आज दर्शन नहीं हुआ, अब जाते हैं घर। तो गाइस फाइनली आ गए घर पे, और देख सकते हैं राधा का वहाँ मंदिर पे जो टीका ले लिया था, इस तरह से पूरा पूरा ये हो गया। आज का ब्लॉग कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद जय भारत।